पीलीभीत के टांडा विजयसी का एक मामला सामने आया है, जहां पर 45 पेड़ों का परमिट लेकर लगभग 175 पेड़ काट दिए गए और लाखों रुपए की लकड़ी बिना परमिट के इधर से उधर कर दी गई। सबसे बड़ी बात है कि काटे गए पेड़ों की जड़ों को गायब करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पेड़ों को काटने के समय की वीडियो भी मौजूद है और बचे पेड़ों पर कृतज्ञ संख्या भी मौजूद है। गांव के एक ग्रामीण ने वन विभाग पर आरोप लगाया है कि सुर्खियों में रहने वाले संवेदा कर्मी टाइगर ट्रैकर चेतन कुमार का ये कारनामा है। ग्रामीण का आरोप है कि इससे पहले भी टाइगर ट्रैकर चेतन कुमार सुर्खियों में रह चुके हैं और उसके ऊपर वन्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गलत तरीके से लकड़ी काटने का अभियोग भी पंजीकृत हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो सामाजिक वानिकी के अधिकारियों को गुमराह करके गलत रिपोर्ट देकर धन की उगाही करता है। ग्रामीणों के अनुसार चेतन कुमार का नया कारनामा फिर सामने आया है। वो लकड़ी चोरों के साथ मिलकर लकड़ी की चोरी करवाता है और खुद ही फोन करके अधिकारियों को अवगत कराता है। टांडा विजयसी में लाखों रुपए की लकड़ी का कटान कराने वाले मामले में चेतन का बहुत बड़ा खेल है, फिर भी विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि विभाग के कुछ अधिकारी भी इस मामले में शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा चेतन कुमार और संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस मामले की पुष्टि होने के बाद भी मामला दबाने के प्रयास में अधिकारी लगे हुए हैं। तो शिकायत यह है कि ये जो सागुन का एक बाग है, टांडा कॉलोनी मंगलसाना का एक बाग है, ये डीआरओ खेत है, पट्टेदार सरकारी लिस्ट पट्टा है। इसमें खेत में 205 पेड़ था। इसमें जो है अवैध तरीके से कटान हुआ है, जैसे कि 205 पेड़ है उसमें से 45 पेड़ का परमिट था, बाकी जो 160 पेड़ जो है अवैध तरीके से काट दिया गया है। ये स्टाफ वाले मिलके, जैसे कि सोनी सिंह दरोगा और टाइगर ट्रेगर जो चेतन कुमार, इनके द्वारा मिलजुल के शॉर्ट कट करके ये यहाँ से निकल दिया गया है काट। और इनका सबूत जो सामने भी है, आप लोग कर सकते हो, आप लोग आके देख सकते हो। इसकी शिकायत आपने कहीं करी है? इसकी शिकायत के लिए हमने कई बार दौड़ भाग किया, लेकिन ये स्टाफ वाले आगे बढ़ने ही नहीं दिया। किसने नहीं आगे बढ़ने दिया? ये स्टाफ वाले बोलते हैं ये अवैध कटान नहीं हुआ, ये ऐसा है, परमिट है, परमिट बगैर परमिट का कटा नहीं है, बगैर परमिट का कटा नहीं तो परमिट दिखाइए। तो आपको किसने बताया कि बिना परमिट के ये पेड़ कट गया? ये गांव में पता चल गया, क्योंकि उनके आपस में ठेकेदार और उनसे उनका मुठभेड़ हो रहा था। मुझे पता उस टाइम लग गया था कि टांडा महादेव के दुकान के सामने मुठभेड़ हुआ था ठेकेदार से इनसे।